एलसीएम फाइंड करना सीख रहे हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ऐसे तरीके से सीखेंगे इसके बाद आप किसी भी नंबर का आसानी से एलसीएम यूं चुटकियों में फाइंड कर लेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं इनका दोस्तों, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि आपका बेसिक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। देखिए ये आपके प्राइम नंबर मैंने लिख रखे हैं, टू से शुरुआत करते हैं। देखिए टू का डिवाइड करें हम 9 6 में, तो कितने टाइम, 4 टाइम गया, 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद 8 टाइम गया, 16 आ गया और रिमाइंडर 0, यानी 2 का कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसमें जितने टाइम डिवाइड हुआ है इसको यहाँ लिखेंगे, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 2 0 2 टाइम गया, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 4 टाइम गया और 1 0 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगेन ये 2 से आपका डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको जैसा है वैसा लिख दो। ये अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना, 6 टाइम, ये जैसा है वैसा लिख दो। अगेन 2 से ये डिवाइड हो रहा है, कितना, 3 टाइम, ये है जैसा है वैसा लिख दो। अब देखो 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, लेकिन ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको जैसा है वैसा लिख दो। अब क्या करें, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब आपका जो नंबर बच गया है वो यदि आपको डायरेक्ट दिखाई पता लग जाए कि हाँ आपका इससे डिवाइड होगा, यदि ऐसी कंडीशन में आप फंस जाएँ कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, इसकी कैसे जांच करें, कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी जाँच होती है दोस्तों। आप ऐसी संख्या का स्क्वायर लो जिसका, देखिए 10 का स्क्वायर कितना, 100 आता है, जो कि 101 से कम है। 10 में 1 ऐड किया यानी 11 पे आ गए, 11 का स्क्वायर 121 करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आता है, जो कि इस 101 से क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे नंबर को लो, ठीक है, लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 11 को ले लिया इस कंडीशन के अनुसार, जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए 11 हमने यहाँ पर जिसका स्क्वायर लिया है वो कौन है, 11। 11 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, ध्यान से समझो कौन है 11 से छोटा प्राइम नंबर। देखो 2 3 5 7, ये आपके क्या है, 11 से छोटे प्राइम नंबर है। तो देखो 2 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है, ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कंडीशन ये होती है कि आपका ये जो है इसका यूनिट डिजिट ये 0 2 4 6 8 में से कोई है, इन 5 में से, तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं। 3 से डिवाइड होने का कंडीशन, इनका सम करेंगे अलग अलग का, 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना, 2 आ रहा है, ये आपका 2 3 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 5 की कंडीशन होती है कि आपका इसका यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कोई होना चाहिए, नहीं है। 7 की कंडीशन ये होती है कि इसको हम जो आपका यूनिट डिजिट इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से जो पहले बचा हुआ इसमें से माइनस कर दें, और जो आ रहा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्रूव हो गया कि आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे है जो आप जांच कर सकते हैं। अब आपका एलसीएम क्या आ गया, हम तो एलसीएम की बात कर रहे थे, ये तो महत्वपूर्ण बात थी इसीलिए हमने चर्चा की इसकी। अब इनका सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये आपको क्या देगा, आपका एलसीएम देगा। देखो 2 आपका कितने टाइम आया हुआ है, 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो 3 आपका एक बार है, 1 0 1 एक बार है, इनका देखो 4 16 और 32 आ गया, 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपका, 96 आ गया, 96 को 101 से मल्टीप्लाई किया तो 96 96 आ गया, ठीक है, ये आ जाता है आपका एलसीएम। ओके, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। केसीएल एकेडमी बाई सुरेंद्र खिलेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।